हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। अभी हम लोग एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को ओपन इंटरेस्ट डेटा के ऊपर। ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ पीसीआर और मैक्समैन के डेटा को चेक करेंगे। फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर क्या चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, मार्केट में क्या चल रहा है, डेटा क्या कह रहे हैं इनके ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं निफ्टी के साथ। आप देख सकते हैं निफ्टी की क्लोजिंग है 17,069 पे, आज की क्लोजिंग, सेकेंड में की क्लोजिंग और फिफ्थ में की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ट्रेडिंग रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग फाइंड आउट करें कहाँ पर कॉल राइटर्स और कहाँ पर पुट राइटर्स एक्टिव हैं, आज के सेशन में कहाँ पर एक्टिव थे, तो उससे हमें क्या निकल के आएगा, हमें रेसिस्टेंस मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा, और वहीं से हमें आपका ट्रेडिंग रेंज भी निकल के आएगा। तो एक्टिव कॉल राइटर्स की बात करेंगे तो इधर देखेंगे तो इस जगह पे देखिए करीब 155 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको खड़ा दिखेगा। स्ट्राइक है आपका 381 का, यहाँ पे एडिशन है और स्ट्राइक है 17,300 का। एक और स्ट्राइक जो आपको ध्यान रखना है या देखना है तो वो यहाँ पे 1,33,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे खड़ा दिखेगा। स्ट्राइक है आपका देख लीजिए 17,500 पे और यहाँ पे करीब 42,000 लॉट्स का एडिशन भी आज देखने को मिला है। तो ये दो स्ट्राइक्स हैं 17,300 और 17,500 जिस पे काफ़ी कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं और ये काफ़ी एक्टिव हैं। जहाँ तक कॉल राइटर्स और रेसिस्टेंस का सवाल है, ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल खड़ा करेंगे इसको क्रॉस करने में निफ्टी के लिए। इनको क्रॉस करके क्लोज होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा बुल रन देखने के लिए। दूसरी तरफ अगर बात करें कि सपोर्ट हमें कहाँ है तो देखेंगे इस जगह आप 1,15,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको खड़ा मिलेगा और करीब 33,000 लॉट्स का एडिशन हमें देखने को मिलेगा। स्ट्राइक है 17,000 का। तो ये जो स्ट्राइक है ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है अभी तक तो फिलहाल निफ्टी के ऊपर। इसके बाद की बात करें कि कहाँ और सपोर्ट मिल सकता है तो ये लेवल आपको देखने को मिलेगा जहाँ 72,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ खड़ा मिलेगा, 20,000 लॉट्स का एडिशन है, 16,800 लॉट्स का हमें यहाँ पे ये स्ट्राइक है, 16,800 का स्ट्राइक है। तो ये जो लेवल दो है 17,000 और 16,800 निफ्टी के ऊपर सपोर्ट का काम कर सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम रेंज की बात करें कि रेंज क्या हो सकती है बैंक निफ्टी की रेंज क्या हो सकती है, तो जो फिलहाल रेंज दिख रहा है 16,000 से लेकर 17,300 तक का रेंज दिख रहा है निफ्टी के ऊपर। पिवट स्ट्राइक की बात करेंगे तो 17,000 का जो स्ट्राइक होगा, पिवट स्ट्राइक होगा जहाँ पे आप पुट साइड में देखेंगे 1,15,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो 66,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में देखने को मिलेगा। तो यह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर रहेगा तो हमें काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है जो कि निफ्टी को 17,100, 17,200 और 17,300 की तरफ लेके जा सकती है। अगर इसके नीचे फिसलेंगे तो 16,950, 16,900 और 16,800 की तरफ फिसल सकता है। तो इस लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अगर चेंज की बात करेंगे तो ज़बरदस्त कॉल राइटिंग और यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त आपको थोड़ी पुट राइटिंग और पुट बाइंग दोनों होते हुए नज़र आई है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग देखेंगे चेंज के ऊपर, एलटीपी के ऊपर, तो आपको मिलेगा कि जो ट्रेंड दिख रहा है निफ्टी का वो रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ दिख रहा है। निफ्टी का ट्रेंड रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ दिख रहा है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस ऑप्शन चेंज पे। अब हम लोग बैंक निफ्टी पे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अभी फिलहाल बैंक निफ्टी के ऊपर और अगेन हम लोग बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देख लेते हैं एक बार। तो आपको क्लोजिंग दिखेगा कि 36,163 पे क्लोज है आपका बैंक निफ्टी, सेकेंड में की क्लोजिंग और फिफ्थ में की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं।
तो आइए अब ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे, बैंक निफ्टी के ऊपर भी ट्रेडिंग रेंज फाइनल करेंगे। और इसके लिए भी जरूरी है कि हम लोग चेक करें कि किस स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स एक्टिव हैं, किस स्ट्राइक पे पुट राइटर्स आज के दिन में एक्टिव हमें देखने को मिले। तो इस कॉलम से होकर गुजरे तो दिखेगा कि यहाँ पे करीब 82,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको खड़ा मिलेगा, मामूली से अनवाइंडिंग स्ट्राइक है 37,000 लॉट्स, 37,000 का स्ट्राइक है। तो यह जो स्ट्राइक है बैंक निफ्टी के ऊपर रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके बाद अगर आप इसे देखें तो 69,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ खड़ा मिलेगा, 6,000 लॉट्स का अनवाइंडिंग मिलेगा, 16,500 के ऊपर का ये स्ट्राइक है, 16,500 का ये स्ट्राइक है। तो यह भी हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ये दो लेवल्स जहाँ कॉल राइटर्स काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, ये हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे कौन सा लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, तो देखेंगे कि इस जगह पे देखिए 65,000 लॉट्स का ओपन ट्रेस खड़ा है और एडिशन 20,000 लॉट्स का है, स्ट्राइक है 36,000 का। इसके बाद की बात करेंगे तो इस जगह आप देखें तो 62,000 लॉट्स का ओपन ट्रेस आपको यहाँ मिलेगा, एडिशन करीब 10,000 लॉट्स का, स्ट्राइक है 35,500 का। तो ये जो लेवल्स हैं ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट भी ले रहा है। तो अगर रेंज की बात करेंगे तो 35,500 से लेके जो फिलहाल 36,500 तक का रेंज दिख रहा है, 36,500 तक का रेंज दिख रहा है, इनफैक्ट 37,000 तक का रेंज दिख रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर। और मेक और ब्रेक लेवल है जो पिवट स्ट्राइक है वो 36,000 का स्ट्राइक होगा, जो पिवट स्ट्राइक होगा जहां आपको पुट साइड में 65,000 लॉट्स का ओपन ट्रेस्ट और 55,000 लॉट्स का ओपन ट्रेस्ट आपको कॉल साइड में दिखेगा। तो यह स्ट्राइक सबसे एक्टिव है और इस कारण ही हमारे लिए पिवट स्ट्राइक है, मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर रहेंगे तो 36,300 और 36,500 की तरफ बढ़ेंगे, इसके नीचे फिच लेंगे तो 33,000 35,500 की तरफ बढ़ेंगे। तो यह लेवल जो है आपको ध्यान रखना चाहिए जो मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के ऊपर। और चेंज की बात करेंगे तो कॉल राइटिंग हमें जबरदस्त देखने को मिली, पुट राइटिंग जबरदस्त देखने को मिली, ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है। तो थोड़ा सा अगर ट्रेंड को कंपेयर करें निफ्टी का ट्रेंड स्ट्रेंथ और बैंक निफ्टी की ट्रेंड स्ट्रेंथ, तो मामूली सा ट्रेंड स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी पे मजबूत दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी पे हम लोग जो बात कर रहे थे तो रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ था, बैंक निफ्टी पे ये रेंज बाउंड है तो हल्का सा पॉजिटिव दिख रहा है। अब हम लोग पीसीआर को चेक करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। हम लोग आ गए यहाँ पे, आप देखिए पीसीआर 0.77 पे है, कंफर्टेबल है और जो बता रहा है रेंज बाउंड रह सकता है। और नीचे अगर कुछ गैप डाउन होता है तो वहाँ से खरीदारी हमें देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पे बता रहा है। मैक्स पेन जो होगा वो 17,100 का है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का जो डेटा बता रहा है पीसीआर 0.75 कंफर्टेबल और नीचे गया तो बाइंग हो सकती है, ये बता रहा है। मैक्स पेन 36,000 के ऊपर तो ये बता रहा है रेंज बाउंड। तो आपके पीसीआर मैक्स पेन पे दोनों ही रेंज बाउंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मार्केट जो होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी का ओवरऑल की बात करेंगे तो रेंज बाउंड ज़्यादातर दिख रहा है और निफ्टी रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ, बैंक निफ्टी रेंज बाउंड की तरफ दिख रहा है। तो अगर बैंक अगर मजबूती आनी होगी मार्केट में मजबूती आनी होगी तो बैंक के शेयर पर हमें ध्यान रखना होगा, वहीं से मजबूती हमें देखने को मिल सकती है, वही निफ्टी को लीड कर सकता है ऊपर की तरफ। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था बैंक निफ्टी निफ्टी का, होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।